हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियोस देख पाएँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी, आईडीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो आज है फ्राइडे की सुबह, मैं जस्ट अभी पार्ट को स्कूल बस पे ड्रॉप करके आई हूँ और आकर के बना रही हूँ अपने लिए एक ड्रिंक। ये ड्रिंक मैं आजकल अपनी जो ग्रीन टी है उससे पहले ले रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है एक गिलास पानी, उबले रख दिया है। यहाँ पे अजवाइन, जीरा, एक हरी इलायची और थोड़े से सौंफ के दाने, ये सभी चीज़ें इस पानी के अंदर जाएंगी। इसको उबालना है, एक दो बॉईल देने हैं, ज़्यादा नहीं देना है। तो उबालने के बाद बस इसको छान करके पी लेना है। ये पानी जो है काफ़ी अच्छा होता है स्टमक के लिए भी, डाइजेशन के लिए भी, और साथ ही जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहता है। जो भी बेली फैट होता है, आसपास का फैट जमा होता है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। साथ ही जो है न्यू मॉम्स बेबीज़ को फीड करा रही हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये, और जो मिल्क की क्वालिटी है उसको भी काफ़ी इम्प्रूव करता है। साथ ही बच्चों में जो स्टार्टिंग में गैसेस प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी काफ़ी हद तक ये ठीक रखता है। तो यहाँ पे मैंने एक दो बॉयल दे दिए हैं इसमें, इससे ज़्यादा नहीं देना है, अदरवाइज इसकी जो न्यूट्रिशंस हैं वो कम हो जाती हैं। तो इसको बस इतना ही पीना है, रिड्यूस बिल्कुल नहीं करना है कि हमने अगर एक मग पानी लिया है तो उसको बिल्कुल हाफ़ करके और तब पीना है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसमें हाफ़ कप ले रही हूँ, हाफ़ कप मैंने अभी रख दिया है उठा करके, मैं इसको फिर शाम को गर्म करके फिर पीऊँगी। तो ये वेट लॉस के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जो कि बेली फैट कम करना चाहते हैं तो वो एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून हनी, तो हनी भी अच्छा रहता है इसमें। सुबह सुबह आप शुगर ना लें, अननेसेसरी जो है वो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाता है, फैट भी इंक्रीज करता है, और साथ ही शुगर सुबह सुबह मुंह में जाती है तो अच्छा भी नहीं लगता। मुझे तो बहुत ही टेस्ट बेकार लगता है जब मैं सुबह सुबह शुगर वाली चाय पी लेती हूँ, इसीलिए मैंने ये दूध वाली चाय बिल्कुल स्किप कर रखी है, मैं बंद ही कर रखी है बिल्कुल सुबह। तो ग्रीन टी लेती हूँ या फिर ये वाली ड्रिंक लेती हूँ, तो आजकल तो मैं ज़्यादातर यही ले रही हूँ। बानू भी उठ गई थी तब मैं उसको थोड़ा सा ऊपर लेके गई थी। आजकल मौसम सुबह शाम काफ़ी अच्छा होता है तो सुबह सुबह की धूप उतनी तेज़ लगती नहीं है, और ये इतनी शैतान हो गई है कि जैसे ही ये पहुंचती है ना ऊपर, तो ये मेरी जितने भी क्लॉथ पैग्स हैं, जो कपड़ों पे लगाने वाली चिमटी होती है ना, वो सारी पहले गिरा देती है और फिर बाद में उन डब्बों में भरती है। तो ये शैतान आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है, और क्या क्या बोलती है अपनी तुतलाती हुई ज़बान में मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, बट अच्छा लगता है जब वो आजकल वो बोलने की कोशिश करती है और एक्सप्रेशंस देती है कैमरा को देख करके। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको साथ ही रोज़ेस, पिंक कलर के रोज़ेस आ रखे हैं इस बारी। कुछ मैंने गणेश चतुर्थी पे निकाल लिए थे लेकिन अभी भी दो तीन इसमें हैं, और इनको भी ऊपर लाना बड़ा ही डेंजरस लगता है मुझे कभी कभी, क्योंकि ये ऊपर आती हैं तो प्लांट्स के ऊपर कोई फूल मेरे रहते नहीं हैं सलामत, सब के सब इनके हाथों में आ जाते हैं, तो रखना पड़ता है इसको भी संभाल करके। है वो प्लांट लवर काफ़ी देखिए खुशबू सुन सुन करके देख रही है, जिसमें खुशबू नहीं भी आ रही है उसको भी सूंघना है, तो बस ऐसे ही करती है ये खेल। उसके बाद है ब्रेकफास्ट टाइम, तो मैं ब्रेकफास्ट में बहुत ही सिंपल से चीज़ टोस्टीज बना रही हूँ। तो इसमें मैंने एक स्लाइस के ऊपर शेज़वान सॉस और चीज़ का स्लाइस तक के और थोड़ा थोड़ा बटर लगा करके बस इसको हल्का हल्का सेक दिया है। तो तीन सैंडविच बनाए हैं मैंने, दो हस्बैंड के लिए एक अपने लिए। तो मैं तो आजकल वैसे भी थोड़ा सा कम ही लेती हूँ खाना भी, और ब्रेकफास्ट तो मैं ठीक ठाक कर लेती हूँ बट लंच डिनर में थोड़ा थोड़ा हल्का ही करती हूँ आजकल। तो बस यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी, वहाँ पे साहब ने चाय भी तैयार कर दी है, तो बस अब ब्रेकफास्ट करेंगे।
उधर काम चलते ही रहते हैं पूरे दिन भर वन बाय वन, और अगर आपके साथ बच्चे हों तो काम कभी ख़त्म होते ही नहीं है। तो ब्रेकफास्ट करके और सारा काम निपटाने के बाद मैंने बानू को पूरे दिन भर के लिए रेडी कर दिया है नहला धुला करके, और इसके बालों में मैं ये कोकोनट ऑयल लगाती हूँ। कोई मुझसे पूछ रहा था कि आप बच्चों के लिए क्या प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो मैं बिल्कुल नेचुरल से और बिल्कुल नॉर्मल से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। कोई भी ऐसे फैंसी नहीं है कि बहुत ही महंगा कोई ब्रांड लेना है, तो मैं यहाँ पे इसके बालों के लिए तो कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ गर्मियों में, और सर्दियों में बादाम तेल आलमंड ड्रॉप्स वाला जो आता है, और पाउडर मैं अभी बहुत ही कम लगाती हूँ उसको, और बस लोशन, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मैं बच्चों के लिए ज़्यादा यूज़ करती हूँ। जितना चाहे उतना नेचुरल ही रखें बच्चों के लिए, उनकी स्किन की भी बात होती है, शुरुआत में स्किन ख़राब हो जाती है तो आगे जाके फिर डेंजरस उसके कॉजेज हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं किचन में आई हूँ, और लंच बनाने से पहले मेरे पास है ये काम। एक्चुअली ग्रोसरी आ गई थी गणपति फेस्टिवल वाले दिन ही, यानी गणेश चतुर्थी वाले दिन ही मुझे रिसीव हो गई थी, बट मैंने फिल नहीं किया था, कंटेनर्स भी वॉश कर दिए थे मैंने। तो अभी टाइम लगा है तो मैं फटाफट से ग्रोसरी भी रिफ़िल कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले शुगर रिफ़िल कर दी है, कंटेनर मैंने धो करके रात को ही रख दिया था तो पंखे की हवा में अच्छे से ड्राई हो गया था, और मैंने अभी इसको अच्छे से कपड़े से पोंछ भी दिया है। उसके बाद यहाँ पे हैं कुछ कंटेनर्स जो कि रिफ़िल करने हैं। तो जो ये काले चने का डब्बा है ना, इसको मैंने अभी लास्ट टाइम ही धोया था जब ये खाली हुआ था, तो अभी मैं नहीं धो रही हूँ। तो यहाँ पे मैं रिफ़िल कर दूँगी, और हमेशा जब आप ग्रोसरी रिफ़िल करें और आपके डब्बों में पहले से कुछ प्रोडक्ट अगर है तो आप उसे निकाल लें, क्योंकि वो पुराना है, उसके बाद नया रिफ़िल करें, और अगर जगह बची है तो आप उसी में डाल दें पुराने वाले को, ताकि वो पहले यूज़ हो। यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया था पुराने वाले को, और इसको मैं भिगो करके रख दूँगी, मैं इसकी नेक्स्ट डे फिर सब्जी तैयार करूँगी। तो यहाँ पे है जीरा पाउडर मैं रिफ़िल कर रही हूँ, और सारे के सारे कंटेनर्स मेरे ग्लास के हैं, सिर्फ वो येलो कैप वाले को छोड़ करके। तो कोशिश करती हूँ कि मैं ग्लास कंटेनर्स ही यूज़ करूँ, प्लास्टिक को मैं धीरे धीरे अपनी किचन से हटा रही हूँ। तो ये रिफ़िल कर दिया था मैंने, और साथ में मेरे पास है ये ब्लैंक चिप्स लेबल्स हैं ये, तो मैंने इनको लगा दिया है यहाँ पे। ये जीरा पाउडर है तो मैं इसके ऊपर जीरा पाउडर का लेबल लगा दूँगी, लिख दूँगी इसके ऊपर, क्योंकि मुझे तो ध्यान रहता है क्योंकि मैंने कौन सी चीज़ किस डब्बे में रखी है, कहाँ रखी है, तो मैं कुकिंग करते समय आराम से ढूंढ सकती हूँ। लेकिन जब कभी साहब कुकिंग करते हैं तो उनको या तो चीज़ें खुद से निकाल करके देनी पड़ती हैं, या फिर अगर लेबल्स लगे हों तो उनके लिए बड़ा ईजी रहता है कि वही चीज़ फिर वो निकालें, वही मसाले निकालें और आराम से फिर हैसल फ्री कुकिंग वो करें। अदरवाइज़ इस तरीके से जब कभी भी कोई भी कभी कभी आता है ना किचन में, तो उसको ध्यान नहीं रहता कि कौन सा क्या मसाला है, क्या डालना है, तो लेबल्स लगाना अच्छा रहता है, कन्वीनियंट रहता है। तो यहाँ पे मेरी धुली हुई उड़द की दाल भी ख़त्म हो रखी थी, तो इसको भी मैंने रिफ़िल कर दिया है, और साथ में ये छिलके वाली उड़द की दाल है, माश की दाल, इसको भी मैंने रिफ़िल कर दिया है। आगे अब जो है ये पितृपक्ष शुरू होगा, श्राद्ध वगैरह, तो उसमें ये दालें चाहिए होंगी मुझे, तो ये भी हो गया मेरा काम। और साथ ही में मैं बना रही हूँ बहुत ही सिंपल सा और जल्दी बनने वाला क्विक सा लंच, जिसमें मैंने बनाई है कढ़ी, और कढ़ी मैंने बिल्कुल प्लेन रखी है, कढ़ी चावल बना रही हूँ। कढ़ी की ऑलरेडी 2-3 रेसिपी मेरे चैनल पर हैं, आप चाहें तो उन्हें भी कंसिडर कर सकते हैं। कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी है, सोयाबीन कढ़ी है, और इसके अलावा पंजाबी कढ़ी भी है, तो आप एक बार चेक कर लें। तो यहाँ पे मैंने लंच भी सर्व कर दिया था, और क्योंकि मैंने ये प्लेन बनाई थी तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बूंदी का क्रंच डालूंगी, जो बेसन की बूंदी होती है ना रायते वाली, वो, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि ना जो ये कढ़ी होती है ना, इसको कवारी कभी नहीं बनाना चाहिए, मतलब सिंपल नहीं बनाना चाहिए, कुछ ना कुछ इसमें डाल देना चाहिए। यहाँ पे बेबी भी अपनी इवनिंग नैप में है, और आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला अपने लिए, वैसे तो बहुत कम टाइम मुझे अपने लिए मिलता है, बट कभी कभी मैं निकाल ही लेती हूँ 15-20 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा, जितना हो सके अपने लिए, जिसमें मैं अपना कुछ काम करती हूँ। तो यहाँ पे आज मैंने अपनी नेल पेंट चेंज करी थी, तो ये रेड कलर का लगा लिया है, ये थोड़ा सा मेहरून है, ये मेहरून कलर में है, जिसको मैंने रक्षाबंधन पर लिया था, तो उस समय मैंने सिर्फ हाथों पे लगाया था, पैरों पे नहीं लगाया था, तो आज ये भी काम मैंने कर लिया, काफ़ी टाइम से मैंने चेंज ही नहीं किया था।
फिर टाइम हो गया है शाम का, चाय बन रही है यहाँ पे और पार्ट के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आज उसकी लास्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है फ्राइडे की। सैटरडे को उसका लास्ट एग्ज़ाम है, उसके बाद फिनिश हो जाएंगे एग्ज़ाम, तो हम लोगों की भी टेंशन थोड़ा सा कम होगी, साथ ही उसकी भी टेंशन कम होगी। काफ़ी उसकी स्टडीज़ चल रही हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो यहाँ पे चाय बन गई है, पर मैंने इसमें ना शुगर नहीं डाली है अभी, तो अपने लिए पहले मैं निकाल रही हूँ एक कप और उसके बाद बस शुगर डाल करके इसमें मैं एक बॉयल दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए एक कप निकाल ली है और यस, मैं इसको फीकी नहीं पीने वाली हूँ, मैं डायबिटिक नहीं हूँ। मैं इसमें डालूँगी अपने लिए गुड़, जैगरी पाउडर। तो कभी कभी मुझे इस तरीके की ना गुड़ वाली चाय बहुत अच्छी लगती है, या तो गुड़ वैसा वाला हो जो उसको पीस वाला गुड़ जो होता है पीसेस में जो होता है, तो वो भी ले सकते हैं, उसको दो हाथ की चाय बोलते हैं। बट यहाँ पे मैंने जैगरी पाउडर लिया है तो इसका टेस्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो कभी कभी मैं इस तरीके की गुड़ वाली चाय पी लेती हूँ। तो मैं इस साहब को चाय दे आऊँगी, तो उनकी वहाँ प्रिपरेशंस चल रही हैं और क्योंकि पार्थ भी वहाँ पे बैठा हुआ है ना हस्बैंड के साथ ही, वो स्टडी कर रहा है ऑफिस रूम में, तो मैं नमकीन थोड़ा सा ज़्यादा ले जाऊँगी क्योंकि उसको भी भूख लग जाती है इस समय पे। तो बस चाय उनको दे आऊँगी और साथ ही बस मेरी चाय भी यहाँ पे रेडी है और मैं पीऊँगी अब चाय। तो डिनर बनाने से पहले मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो थोड़ा सा DIY मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। मेरे पास है ये एक बड़ी सी टिन की केन, तो ये मिल गई थी मुझे, तो मैं इसका एक DIY बनाने वाली हूँ। अंदर से ये बिल्कुल खाली है और इसके साथ मेरे पास है ये एक शीट, ये वेवी शीट है, एक तरफ से प्लेन है ब्राउन और एक तरफ से हल्की सी वेव्स हैं इसमें वाइट कलर की। तो इसको मैं इसके ऊपर रैप करूँगी और बनाऊँगी अपना बेस, और मैं इसको चिपकाने वाली हूँ हॉट ग्लू गन से। तो हॉट ग्लू से जो है इसके ऊपर ये इजीली चिपक जाएगा, निकलेगा नहीं, वर्सेस फेविकॉल या कोई और ग्लू अगर लगाते हैं ना तो इजीली वो फिर बाहर निकल आता है, चिपकता नहीं है ठीक से। तो मैं हॉट ग्लू का यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे। इस ग्लू स्टिक लगा ली है मैंने नई और बस अब मैं इसको यूज़ करूँगी। तो ये मैं इसको यहाँ पे चिपका करके ले आई हूँ और ये अच्छे से चिपक गया है इसके ऊपर। हॉट ग्लू से जो है इजीली चिपक जाती हैं, जैसे ही वो ठंडा होता है वो सारी चीज़ें चिपक जाती हैं। उसके बाद है मेरे पास ये मार्बल बेस की सेल्फ एडहेसिव शीट, ये वाली शीट मैंने अपने जो मेरी ड्रॉअर थी उसके ऊपर मैंने लगाई थी, वो वाला ब्लॉग भी मैंने शेयर किया था। तो इसका एक पीस मैंने ले लिया है और इसके पीछे ना ये ऐसी बहुत थिन सी एक शीट होती है, बस उसको हटाना होता है और बस जहाँ पे भी आपको इसे लगाना है इजीली लगा सकते हैं। तो धीरे धीरे शीट हटाते जाएं और इसको चिपकाते जाएं। तो ये वाली शीट जो है कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किचन में एज अ वॉलपेपर, अपने फर्नीचर पे, दीवारों पर, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको अभी क्राफ्ट के लिए ही यूज़ किया है, तो अच्छे से मैंने इसको चिपका लिया है। तो ये देखिए ये बढ़िया से चिपक गई है। उसके बाद मेरे पास है ये कुछ वाइब्रेंट सी क्राफ्ट की जो टेप होती है वो, तो इसमें से मेरे पास ये जो सिल्वर वाली है ये मैं यूज़ करने वाली हूँ, ये परफेक्टली जाएगी इसके साथ। ये वाली टेप को भी ना काफ़ी केयरफुली लगाना पड़ता है, और अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है जिस पे आप इसको चिपका रहे हैं अगर वो बेंड है या इस तरीके से सर्कल में है तो भी थोड़ा सा दिक्कत होती है। सीधी तरफ से तो टेप चिपक जाती है बट ये सर्कल टाइप में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो मैंने अच्छे से लगा दिया है इसको दोनों तरफ, ऊपर और नीचे। इससे क्या होता है जो खाली लाइंस है ना वो भर जाती हैं। और मेरे पास है ये कुछ आर्टिफिशियल रोजेज क्राफ्ट वाले, उनको मैंने इस तरीके से हार्ट शेप में चिपका दिया है। और जो ये अंदर का है ना इसमें भी मैंने बाकी के रोजेज लगा दिए थे, ये अलग अलग कलर के, थोड़ा सा पिंक है ये और अंदर की तरफ मैंने इसमें ब्लू रोजेज लगाए हैं। तो ये एक इस पे डिज़ाइन बन के तैयार हो गया हार्ट शेप का। तो ये ऑलमोस्ट रेडी है हमारा फ्लावर वास। तो यहाँ पे मैंने इसको फ्लावर वास में कन्वर्ट कर दिया बढ़िया सा। अभी ये थोड़ा सा ना लाइट वेट है तो इसके ऊपर कुछ भी अगर रखेंगे ना तो एकदम ईजीली गिर जाएगा। तो मेरे पास ना ये स्टोन्स हैं, कलरफुल पेबल्स होते हैं ना जो ये प्लांट्स में भी रखते हैं जिनको, वो वाले हैं। तो ये मेरे पास काफ़ी सारे रखे हुए थे, मैं इनको ना इसमें डाल दूँगी। तो इससे क्या होगा इसका जो बेस है ना वो हैवी हो जाएगा और जब कभी भी इसमें मैं कोई आर्टिफिशियल प्लांट लगाऊंगी तो ये गिरेगा नहीं। तो इसका फाइनल लुक आया था ये।
बहुत ही सुंदर सा मेरा फ्लावर वास ये हैंडमेड तैयार हो गया। बहुत ही ब्यूटीफुल सा DIY लगा मुझे ये। इसमें मैंने अंदर रख दिया है यहाँ पे प्लांट और बहुत ही सुंदर ये लग रहा था। ये जो मार्बल वाली शीट है ना, इसके अलावा कोई दूसरी शीट भी लगा सकते थे वैसे, जो प्रिंटेड होगी तो उसमें भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता। और इसको मैंने लगाया है अपने बेडरूम में बेड के ऊपर, जहाँ पे ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ पे मैंने पहले एक दूसरा वाला रखा हुआ था येलो फ्लावर्स वाला, वो मैंने फिर अब लिविंग रूम में रख दिया है। उसके बाद मैं आई थी बाहर की लाइट्स ऑन करने के लिए, तो मौसम एकदम चेंज हो गया, अभी बादल आ गए एकदम से और थोड़ी देर बाद ना बारिश भी शुरू हो गई थी, तो अगले दिन सुबह थोड़ा सा ठंडा हो गया था। तो ये है शाम का मौसम अभी। फिर मैंने बाहर की लाइट्स भी ऑन कर दी थी, अंधेरा हो गया था ऑलमोस्ट, तो मैं बड़ी लाइट नहीं जलाती हूँ। जो हमारे प्लांट्स के ऊपर जो छोटी छोटी वो लड़ियाँ होती हैं ना, जो दिवाली वाली लाइट्स होती हैं, वही मैंने लगा रखी थी, तो वही मैं ऑन कर दूँगी अब। तो ये देखिए मैंने लाइट्स ऑन कर दी यहाँ पे। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग। कुछ भी पसंद आया हो व्लॉग में तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन यू गाइज टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।